अब ये जो मसला है आपसे तो नहीं पूछूंगा, जाहिर है। वजाहत कर दें ग्यारहवीं बारहवीं का, ताकि फिर मैं रऊफ फारूक साहब जी। ग्यारहवीं से मुराद 11 तारीख सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की विसाल की मशहूर है। उन्हें ग्यारहवीं वाला पीर कहते हैं, तो जब भी उनको ईसाले सवाब किया जाए उसको ग्यारहवीं कह देते हैं। ना खाना हराम होता है, ना उस पर पढ़ना हराम होता है, ना खाने वाले का कोई ऐसा मसला। हाँ, अगर कोई गलत करता है किसी जगह, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन जिसको ग्यारहवीं कहा जाता है वो ईसाले सवाब है, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित। बारहवीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ की तारीख के हवाले से, उसको मीलाद कहें या उसका खाना कहें, वो हलाल वाले के लिए हलाल है। एक लक दक सहरा है, उसमें आपको छोड़ दिया, एक मिसाल है ऐसी। एक मैं आपका हमारा जो रिश्ता है उसके मुताबिक बात करें। लक दक सहरा है, चारों तरफ धूल उड़ रही है, वो कोई आ ही नहीं रहा, और आप 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, आपका पेट आप पकड़ लेते हैं। अचानक एक सवार आ रहा है ऊँट पर ना चलता हुआ, उसके पास जवाब के पास आया, उसके पास खाना था, खुशबू आई, तो एकदम 3 दिन के आप भूखे प्यासे थे, आपका दिल ललचाया। उसने बताया कि जो मैं आया हूँ ये 11वीं 12वीं का खाना है, उस वक्त आप खाएंगे छोड़ देंगे? इसके लिए कुरान मजीद ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। मेरा ख्याल है अल्लाह को तो चूंकि पता था ना कि डॉक्टर आमिर लिया के साहब बोल पे ये सवाल करेंगे, अल्लाह ने पहले ही उसका जवाब दिया जी। फरमाया फबन आदिन फला इसमा अलैह, जो शख्स भूख के हाथों मजबूर हो जाए और जान के लाले पड़ जाए तो उसको हराम खाने की इजाजत है, उतनी कि उससे जान उसकी बच जाए। बगावत का इरादा किससे मिलाया है? ये मुर्दार को देखिए, आपने गुफ्तगू की, मैं खामोश रहा। नहीं नहीं, हराम को मिला। हालांकि इन्होंने ये भी कहा 11वीं कुरान में है, हदीस में है, मैं फिर भी चुप रहा। सुन लेते हैं, कुरान इससे पहले मुकम्मल है, 11वीं बाद की चीज है। कुरान में कहां से आ गई? सुन तो ले, 11वें पारे में आयत है, 11वें पारे में आया और 11वें पारे में 11वीं आयत है, 11वीं शरीफ की। नहीं नहीं, तो सुन तो लेना बात, तो आप सुनते नहीं है ना, सुन तो ले। मैं ही तो सुनता हूँ, आप यहाँ तो मेरी आप सुनाते हैं हमें, सिर्फ एक मैं हूँ जो। अच्छा, सुन तो ले इनकी बात, तो सुन ले। आपने मुर्दार को, और जो वैसे भी हर वक्त हराम है, उसको किस खाने से मिलाया है जिस पर अल्लाह का कलाम पढ़ दिया गया है? अल्लाह का कलाम पढ़ दिया। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए एक सवाल आपने मुझसे, जी जी, अब एक सवाल मैं आपसे, जी जी। मुर्गी को जब ज़िबह करते हैं जी, क्या पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह जी, सिर्फ अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ गलत हो गए भाई, बिस्मिल्लाह अल्लाह जी, ये तकबीर पढ़ते हैं। एक शख्स हाफिज है, वो कहता है तकबीरें तो वो पढ़े जिसको कुरान नहीं आता। मेरे को तो सूरह यासीन याद है, सूरह मुल्क याद है, सूरह मुजम्मिल याद है। अब ये 3-4 सूरतें सारी पढ़ता है और मुर्गी को ज़िबह करता है, उलमा से पूछिए, जिसको यासीन आती होगी ना उसे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर भी याद आता होगा। यासीन इतनी बड़ी याद कर ली उसने, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। मेरा सवाल सुन नहीं रहे, उसने सूरह यासीन पढ़ी पूरी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जो तकबीर है वो नहीं पढ़ी, पूरी सूरह यासीन पढ़ के उसने मुर्गी ज़िबह की, उलमा से पूछी हलाल है क्या? वो आप ही क्या से कोई होगा वैसे, ऐसा आदमी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, इनसे पूछिए जी, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहते हैं? अदद ये मेरा बहुत, अल्लाह के रसूल का हुक्म ये है कि जब खाना सामने आए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खत्म करो, खाना पे खत्म पढ़ो नहीं करो। तो आप उस सहरा में आ जाए तो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ना। हाँ, खाने पे हाथ रख के कलाम पढ़ा, सही हदीस अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बताइए पीर अब्दुल कादिर जिलानी बाद की चीज है, कुरान में उसका जिक्र कहाँ से आ जाए? नहीं कुरान में जिक्र, अब ये इशारे सवाब सुन लेना, सुन लेना, सुन इशारे सवाब नाम है उसका, इनका भी सुन लीजिए। हाँ, अब इसी तरह कुर्बानी के जानवर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त कुर्बानी दी तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन उम्मते मोहम्मद, या अल्लाह मेरी तरफ से कबूल कर और मेरी, यानी उस कुर्बानी के जानवर पर उम्मते मोहम्मद दिया गया। आज घरों में बकरे वायर खड़े हुए होते हैं और कहते हैं ये बकरा किसका है, किसके नाम का है, ये मुन्ने के, चुन्ने के, बाबू के, बबलू के, अब ये नाम लग गया तो क्या ये सारी चीजें हराम हो गई? हां, ऐसा जानवर जो किसी बुत के तकर्रुब के लिए, किसी थान की इबादत के लिए उसका नाम मुख्तस किया जाए, जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है, बुद्ध मत में किया जाता है, उसका वो खाना वो हराम हो जाएगा। लेकिन जनाब,
हम किसी भी जानवर को किसी बुत, किसी बली, किसी नबी, किसी गौस, किसी कुतुब के नाम नहीं लगाते, हम जिबा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। इसलिए तफसीरात अहमदिया ने लिखा, इसी तरह तफसीर मदनी ने लिखा और बाकी तफासीर ने लिखा कि अल बकरतुल मंजूरा, अल बकरतुल मंजूरा ऐसी नजर मानी हुई गाय कि जिसको जिबा करते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए और उसका ईसाले सवाब किसी वली के, जैसे कि उन्होंने लिखा हमारे जमाने का एक रिवाज है कैसे करते हैं, वो हलाल है, उसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब मामला ये कि हम कुरान और हदीस नाम लेकर हम बहुत सारी ज्यादती कर रहे होते हैं, तो 11वीं और 12वीं इसकी असल ईसाले सवाब है और असल जब कुरान में मौजूद है, तो इसलिए डॉक्टर कोकब साहब ने फरमाया ये कुरान में भी मौजूद है और हदीस में भी मौजूद जी अब असल के हवाले जी माशाल्लाह। काश के हमारे भी लोग बैठे ये सब आपके लोग आप मानते नहीं हुए गलत बिस्मिल्लाह हमारे डॉक्टर साहब बात बड़ी आसान है, जैसे इन्होंने कहा लोग कुरान हदीस का नाम लेके धोखा देते हैं, मैं भी कह सकता हूँ लोग मदीने का नाम देकर मदीने वाले की बातों का इनकार करते हैं। बात कहने को बहुत सारी, कुरान मजीद में इतनी सराह से आया, सहाबा किराम से एक मिसाल ऐसी दे दीजिए, सहाबा किराम ने कभी भी, अब हिंदू को तो हराम करार दे दिया हिंदू का जो बुतों का खाना है, फर्क क्या है, वो सीधा करके पूछते हैं ये लिटा के पूछते हैं, है वही बुत, उनका खड़ा है इनका लेटा है, आड़े और सीधे का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। फिर कुरान मजीद ने कहा मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्नत व मावाहु नार, कुरान मजीद हमने भी सुनी है 15 मिनट तक हमने सुनी है गलत बात कर लिटा के पूछने का क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। आप ये एक पूरा नेशनल टेलीविजन पे जा रहे हैं साहब देखिए, और ये हाफिज यजदानी साहब ने, हाफिज सईद साहब ने इसका बुरा माना है जो आप बातें करते हैं, ये सख्त हो रहा है, ये सख्त बात हो रही है, ये बहुत सख्त, ये अहले हदीस मकतब फिक्री गलत नुमाइंदगी, सख्त हो रही है, सख्त हो रही है, आप सख्त बात कर रहे हैं, आप बात सख्त कर रहे हैं, आप दरमियान में रहकर बात कर रहे हैं, आपने लिटा कर, आपको पता है हाफिज यजदानी साहब ने कॉल किया कि ये गलत बात हो रही है, हाफिज सही साहब ने तशवीश का इजहार किया है कि अहले हदीस मकतब फिक्र का नुक्ते निगाह सही बयान नहीं किया जा रहा है, अहले हदीस मकतब बिल्कुल कहा है, मैं आपको दिखा दूं मैसेज, दिखाऊं ये लिखा है, दिखाऊं मैंने अपील की थी, मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं, नहीं अगर आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ तो ये देख लीजिए, ये अहले हदीस मकतब फिक्र का आप इतना सख्त नुक्ते नजर बयान करेंगे, ये देखिए ये उन्होंने आपको मैसेज किए, उन्होंने आपको क्या, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ये हमारी आपकी बात है, बट उन्होंने क्या लिखा है या उनके हाफिज यजदानी साहब, तो ऐसा ये जो है ना ये लिटाकर और इससे 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 इत्तेहाद की फजा मुतासर, आप कहें कि ठीक है हम नहीं खाते, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात सर आंखों, आपका नुक्ते निगाह हमारे सर आंखों, बिल्कुल ठीक है मत खाए, लेकिन ये लिटाकर उठाकर सर बात ये है, वो जो बात कर रहे हैं हमें वो भी सख्त लग रही है ना, इसी मगर उन्होंने कोई ये किसी को ये शिर्क के दायरे में तो नहीं लिया है ना, आपको मैं आपको मुशरिक तो नहीं कहा ना, आपने ये तो कहा ना कुरान हदीस का नाम लेकर दुनिया को, आपने भी उसका जवाब दे दिया, लोग मदीने का नाम लेके यहां तक कोई नहीं, लेकिन हमारे लिटा कर उठाकर मजा रहा था कि अगर किसी के इसाले सवाब के लिए कि ये मैं बकरिया ज़िबा कर रहा हूँ, ये मैं खाना दे रहा हूँ, ये सिर्फ जानवर के ज़िबा करने की बात नहीं है, कोई भी नफली इबादत है, मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में सबके सब चीजें शामिल है। जब शादी ब्याह में क्या होता है, खाना निकाला उसके बाद किसी की प्लेट रखी है, अगर उसमें से कुछ चखने देगा, मैंने ये कारी खलील रहमान जावेद साहब की प्लेटें से मत छूना, ये भाई उनकी प्लेटें मत छूना, तो क्या ये उनका खाना होगी, मकसद तो हमें सब झपट पड़े खाना, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे, मेरा ख्याल ये है कि हम इत्तेफाक की तरफ जाना चाहते हैं, बात मुकम्मल हो जाने दें, ये सबके नजदीक है, सब यही बात कह रहे हैं, सब यही बात, हाँ अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी की नजर नहीं है, एक बात हम भी किसी की तरफ से करते हैं, सही ठीक है करते हैं, हाजी किसी की तरफ से करते हैं, उमरा किसी की तरफ से करते हैं, किसी की तरफ से होना अलग चीज है, किसी के लिए होना अलग, किसी के लिए नहीं किसी की तरफ, जैसे रसूलुल्लाह सल्लम ने भी, जैसे इन्होंने कुर्बानी की मिसाल दी उसमें भी आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मिनका, तो उन्होंने बोला किसी की तरफ से नहीं, किसी के लिए अल्लाहुम्मा मिनका ठीक वाला का, अब हम इत्तेफाक करते हैं, आपने कहा एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक हो रहा है सर, इत्तेफाक हो रहा है,
آپ نے کہا کسی کی طرف سے اور کسی کے لیے میں فرق ہے نا, ہاں ہے نا, اگر یہ سب کسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے تو صحیح ہے, اللہ کے لیے ہو صحیح ہے نا, اور بھلے ان کی طرف سے ہمیں کوئی اعتراض, تو پھر ٹھیک ہے نا, اگر یہ ہے اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے تو ٹھیک, تو صورت یہی صورت ہے, ماشاءاللہ یہی صورت ہے تینا ہماری بات کو صورت یہی ہے, یہی صورت ہے, یہی صورت ہے, اللہ کے لیے ثواب کس کو بخشتے ہیں, اگر ان کو سمجھ اگئی تو ٹھیک, نہیں آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے, آپ نے کہا کسی کی طرف سے یا کسی کے لیے, کسی کی طرف سے لیے ہے اللہ کے لیے ہو, ہاں کسی کے بس ٹھیک ہے, تو یہی بات تھی, بائے بائے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, لہٰذا مزارات اولیاء برحق ہیں, وہاں جانا وہاں سے ان سے ایک برکت حاصل کرنا یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے, اس کا تعلق نہیں تھا, وہ لٹا کر اور کھڑا کرنے والی جو بات تھی میں نے اسی وقت اس پر بات بیچ میں میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا, لہٰذا اس کو ویسے نہ لیا جائے, ایک ایک جملہ سب عرض کر دیں, آپ بھی ایک کلیئر کر دیجیے گا تاکہ کوئی بات نہیں, تاکہ چیز اچھی ہو جائے, آپ ایک ایک جملہ عرض کریں. ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ٹاک شو میں بیٹھے ہیں میرے لاکھوں کروڑوں سننے والے جانتے ہیں کہ میں تبن میں مناظر ہوں جی, لیکن میں نے پچھلے پورے اتنے عرصے میں اپنا وہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا ہے, ورنہ ہمیں وہ اس کا سارا راد قدر سا سارا اس کے قانون پتہ ہیں, تو یہ بھی ہمیں قاری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مقصد اتنے سخت جملے کہ وہ کھڑے پوچھتے ہیں, اس کا مطلب آپ پورے اربوں مسلمانوں کو آپ ہندو بنا رہے ہیں, آپ کی اقلیتیں آپ, اب دیکھیں آپ ہیں کتنے, اہل حدیث مطلب طبقہ ہے کتنا ہندوستان پاکستان میں, آپ ہیں کتنے, میں بات کر رہا ہوں, نہیں انہوں نے لفظ پھر اقلیت کا استعمال کیا, بات یہ آپس اتنی بات کر رہے ہیں, میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہاں کروڑوں مسلمان ہیں اور کروڑوں لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں, وہاں جانا مستحب ہے, یہ پورا قرآن و حدیث سے یہ ثابت عمل ہے, ہم کرتے ہیں, دیکھیں ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ کریں, گزارش یہ ہے زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے, مولانا زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے, میری گزارش سنیں, مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے, میری گزارش سنیں, میں آپ زیارت قبر بخاری مسلم کی مزید میں باجا میں نہیں ہے, مجھ سے اچھا مجھے بتائیں کہ حدیث میں نہیں ہے, آپ اپنی آپ مجھ سے اپنی بات کہلوانے کی کوشش نہ کریں, گزارش یہ ہے آپ پھر میری بات میں نہ بولیں, آپ کو انہوں نے ٹائم دینا ہے, آپ اپنی بات میں بولیں, اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ یہ رکھیں گے جو آگے چار پانچ دن ہے تو یہ آگے نہیں چلے, یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج برداشت جواب دے گئی تھی, لیکن آپ برداشت کرتے ہیں, خاموش اس لیے رہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم لفظوں کا جواب دینے کی بجائے لڑ پڑتے ہیں, لیکن بلا شبہ یہ بہتان عظیم شدید تہمت انہوں نے مجھ اکیلے پر نہیں اربوں مسلمانوں پر لگائی ہے, اور ان کو اگر کوئی قد ہے مزارات سے یا صاحبان مزار سے تو اسے اپنے اندر رکھیں, ورنہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی میں بہت کچھ دکھا سکتا ہوں. اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں, کسی کو پسند آئے نہ آئے میں کہنے پہ مجبور ہوں, جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں, جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے. ڈاکٹر صاحب جب میں نے گفتگو شروع کی تو آپ نے ایک جملہ پکڑ کے کہا کہ بہت سخت اور کڑوا جملہ ہے, اور اس سے مجھے ایک قدم بھی آگے لے گا, اب ان کو بولنے دیجیے, حالانکہ اگر آپ تینوں بھی بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ کی تین باتیں آئی ہیں اور میں ایک بولتا ہوں تو میری ایک بات آئی, پھر بھی آپ کو یہ عذر ہوتا ہے کہ آخری بات. میں نے جب گفتگو کی تو آپ نے مجھے میری بات کو کڑوا کہہ کر اسے روک دیا, میں رک گیا, چپ ہو گیا, تالیاں بھی بجی, میں چپ رہا. پھر آپ ہی کے پروگرام میں آپ کے سامنے میں یہ کہوں گا آپ نے مجھے گالی دلوائی, گالی دی گئی, اس گالی پر بھی ان پبلک نے تالیاں بجائی,
खुशी का इजहार किया। आपको कोई अमामे का हिस्सा मुंह पे रख के मुस्करा रहे थे, कोई किस तरह मुस्करा रहे थे, मैं सब देख रहा था, अल्लाह ने आंखें दी हैं। उस गाली पर भी मुझे तालियां बजाई गई और आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं किसी के लिए भी नहीं बोला। नहीं, मेरे लिए बोले ना, अभी तो चुप हूं मैं सबके साथ। नहीं, मेरे लिए आप बोले, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। आप बोले, मैं गाली का क्या जवाब दू? कौन सी गाली? जो अल्लामा कहलाने वाले, डॉक्टर कहलाने वाले, मुझे नहीं मालूम कि अल्लामा इन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की जिसमें गालियां लिखी। आप उसको गाली दी समझो? कोई गाली दी है इन्होंने? नहीं। अच्छा, वो तो डॉक्टर साहब गाली दी है इन्होंने? नहीं, वो गाली नहीं, ये भी बोल रहे हैं गाली, गाली नहीं। आप कहा वो हरामी है जो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने पूरी तवज्जो उस तरफ, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हाजी साहब कोई ऐसी बात नहीं की है। और उन्होंने हमें अकलियत कहा, वो हाँ, उस ये इस्तलाह गैर मुस्लिमों के लिए मारूफ है। अकलियत जब आप कहते हैं तो ये इस्तलाह गैर मुस्लिमों के लिए मारूफ। एक मिनट, कुरान मजीद में कई जगह पर अल्लाह ने कहा कलील अम्मा युमिनून, कलील अम्मा तज़क्करून, कलील अम्मा तश्कुरून, बहुत थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो नसीहत पकड़ते हैं, बहुत। और अक्सरियत के लिए क्या कहा? वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। जो अक्सरियत अल्लाह के साथ ईमान लाई है उनमें अक्सरियत मुशरिक है, ये कुरान के अल्फाज है। चलिए, कभी कभी अक्सरियत अच्छी हो जाती है, कभी बुरी भी हो जाती है, ये भी होता है। इसी तरह अभी बदर का दिन गुजरा है, जब मक्के में अकलियत में मुसलमान थे तो कम थे, लेकिन अक्सरियत में आए तो और ज्यादा। तो इसमें तो कोई बात नहीं, अकलियत अक्सरियत के तो कोई मामला नहीं। मेरा मकसद है तो इस तरह के ताने, जब शर्बला में भी 72 अकलियत में थे लेकिन अक्सरियत पे हावी आज भी। फिर भी यानी हक वाले कौन थे? हक वाले वही थे, वही थोड़े ही थे। लेकिन फिर अक्सरियत 10,000 सहाबा के वाले थोड़े थे, 10,000 सहाबा की शक्ल में। और वो थे आखिर भी। देखिए, एक डॉक्टर मुझे आयसमी साहब, एक मिनट, एक मिनट, मैं भूल जाऊंगा। आप बात फरमाएं, इरशाद फरमाएं। आप अल्लाह ताला ने रोजे आखिरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नबी मुकर्रम ने फरमाया कि आदम अपनी औलाद में से जन्नती और दोस्त की अलग अलग करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे या अल्लाह किस निस्बत से? अल्लाह ताला कहेगा 1,000 में से 999 दोजख के लिए निकालो, एक जन्नत के लिए निकालो। वहां भी यानी उस वक्त भी जन्नत के लिए लोग कम जा रहे हैं, दोजख के लिए लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो ये मेयार नहीं है, मेयार नहीं, चले होगी बात, ये बात भी खत्म। ये मेयार नहीं है कि जो थोड़ा होगा वो, ये भी आपने तफसील से जवाब दे दिया। अब मजीद बाकी ये तो कह दें कि उसका मतलब यानी आपने दिल आजादी, आपने वजाहत कर दी डॉक्टर साहब, एक दफा आपने वजाहत कर दी कि जो भी बंदा अपनी तरफ से किसी की भी तरफ से कोई जानवर जिबा करे, कोई खैरात करे, सदकात करे और अल्लाह के लिए करे, आपने भी वजाहत कर दी, हमने भी वजाहत कर दी। एक अगर आप मुझसे प्यार तो करते हैं, मोहब्बत करते हैं, नहीं करते, एक जुमला अगर आप कह देंगे, अगर किसी की दिल आजादी उससे तो माजत चाहते। क्या जुमला? वो जो लेटी हुई बात, लेटी एक दिल आजादी होगी ना, कह दें आप अच्छे आदमी, कह दें। नहीं डॉक्टर साहब, आप क्या कहलवाना चाहते? मैं कहलवाने नहीं चाह रहा, अगर वो जो मजार के हवाले से कोई दिल आजारी हो गई तो ऐसी बात नहीं। ऐसे तो मैं कह सकता हूँ, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी है तो मैं माजरा। चले, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी रहता, बड़ी रहता। खारी साहब के लिए था, देखिए खारी साहब समझा हो जाएंगे। मुझे कह के बजवानी, मैं कह के नहीं बजवा भाई, वैसे बजाओ, वैसे बजाओ सब लोग। यहाँ दूसरों के लिए खुद बजाते।